हम इसमें देखेंगे 1904 का 1904 का लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन जो थे उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है, खासतौर पे बंगाल में, क्योंकि इन्होंने किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि एक बात की गई शिक्षा को चेंज करने की। कैसे चेंज करने की? कि जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें इन्होंने बोला कि जो हर प्रांत है, ठीक है, मतलब जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रांत आ रहे हैं सब में कम से कम एक कॉलेज तो होना ही चाहिए, एक विश्वविद्यालय तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा भारत है और कुछ ही आपने कॉलेज खोल रखे और सभी कॉलेज में यहाँ वहाँ से बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। अगर हर प्रांत में एजुकेशन सिस्टम आप शुरू करेंगे और उसको अच्छे से चलाएंगे तो क्या होगा कि उनको ज़्यादा तादाद में जो एजुकेटेड पर्सन है वो मिल पाएंगे। तो लॉर्ड कर्जन की सिफारिशों पर हर प्रांत में कॉलेज बनाने की बात की गई। और जब हर प्रांत में कॉलेज बनाने की बात की गई तो उसमें क्या किया कि विश्वविद्यालयों की क्षेत्र सीमा भी निर्धारित की गई कि जो विश्वविद्यालय, मान लीजिए कि आज के हिसाब से मैं बताता समझाता हूँ आपको, यूपी है, एमपी है और आपका छत्तीसगढ़ है, मैं तीन एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए। मान लीजिए यूपी एक प्रांत के नाम पर दे दिया, ठीक है, इस प्रांत में अगर यूपी में कॉलेज बना दिया गया, अब ऐसे नहीं कि उसके अंदर आके एमपी का बच्चा भी पढ़ रहा है भाई मैं भी यहाँ पढ़ूंगा, नहीं, एक सीमा निर्धारित कर दी गई कि इस जो ये जो कॉलेज होगा यूपी वाला इसमें कहाँ तक के बच्चे पढ़ सकेंगे, ठीक है, ऐसी भी सीमा, और कितने हायर एजुकेशन तक पढ़ सकेंगे ऐसी भी सीमा, इस प्रकार की सीमा निर्धारित कर दी गई इसमें। और एक सीमा बनाने का भी श्रेय इनको जाता है कि भाई एक सीमा इनके आने के बाद बनी। उसके बाद 1913 में शिक्षा नीति संबंधित सरकारी प्रस्ताव आया और इस प्रस्ताव में शिक्षा के ऊपर और आगे बात की कि सरकार क्या चाहती है, सरकार की जो अवधारणा है उनको कैसे पूरा किया जाए, सरकार के मोटिव क्या हैं, ठीक है, उन सब को लेकर के आगे एजुकेशन को डेवलप करना शुरू किया गया। और जब ये दोनों हो गया 1904 का और 1903 का और 13 का, जब देखिए 1913 में एक और चीज मैं उससे भी इसको कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ, हम सब जानते हैं कि 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के आसार पहले से ही नजर आ रहे थे, ठीक। और जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ही शाणे हुआ करते थे, मतलब बहुत ही एकदम ऐसे कि भाई अपने हर चीज़ सहूलियत पहले ही अपना लेते थे वो, ठीक है। उससे पहले किसी को भी मतलब काम वाम करने की ऐसी कोई इजाज़त नहीं थी कि वो उद्योग भी खोल सके या फिर ऐसा कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सके, लेकिन उनको पता था कि भाई यूरोप में जो पहले से वर्ल्ड वॉर लड़ाई छिड़ी हुई हैं, ठीक, अब लड़ाइयाँ यूरोप में छिड़ी हुई हैं तो वहाँ पर जो उनके वेपन्स हैं मतलब गोला बारूद जो होता है, ठीक है, वो पहले से यूज़ हो रहा है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या कि जो इंडिया की तरफ का एरिया है वो भी कहाँ जाएगा, लड़ाई में जाएगा, तो यूरोप से इंडिया में वो गोला बारूद मंगाएंगे, सोचिए जो अपने वेपन्स हैं वो मंगाएंगे तो उनको क्या बहुत महंगा पड़ेगा तो मंगाने, और कितना टाइम लग जाए आने में, क्या पता जो जहाज मारा उसी जहाज को डुबा दिया जाए पानी में तो और भी बेकार। तो इन्होंने एक सिस्टम अपनाया कि 1913 में ही यहाँ पे राइट दे दिए, बड़ी बड़ी कंपनी हो जाए कि ये जो आपकी टाटा वाटा की कंपनी चल रही है ना, आ तो टाटा आप जानते हो, लेकिन पहले से जो स्टील कंपनियाँ चल रही हैं उनको राइट दे दिए गए और उद्योग इस्टेब्लिश करने के लिए कि भाई आप अपना उद्योग इस्टेब्लिश करो लेकिन हमारी जरूरत की चीज़ें भी आप बनाओगे। और जरूरत की चीज़ें उनकी क्या थी, वही गोला बारूद वेपन्स, ठीक है, अब यहाँ सस्ते रूप में बन रहा है, अब इन सबको ऑपरेट करने के लिए बनाने के लिए जरूरत किसकी होती है, सबसे पहले पढ़े लिखे लोगों की, ठीक है, इंजीनियर्स की, और जो उन सबको सिस्टम को चला सके। अब वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगा तो उसमें एजुकेटेड लोगों की जरूरत पड़ेगी ना कि भाई जो ब्रिटिशर्स ऑर्डर दे रहे हैं क्या करना चाहिए आगे, तो एक पॉलिसी बना सके वॉर जीतने के लिए, तो उसके लिए भी किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, शिक्षा की। तो इस शिक्षा के लिए देखिए सरकार ने अब यहाँ पर प्रस्ताव रखा पहला, ठीक है, तो 1913 में शिक्षा नीति संबंधी एक प्रस्ताव, सरकारी प्रस्ताव आया, उससे पहले सरकार इतना ध्यान नहीं दे रही थी इस चीज़ पर, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसार छिड़ने थे
तो सरकार ने पहले से ही ध्यान देना शुरू किया और 1914 में आषाढ़ छिड़े तो उसका लाभ सीधे सीधे किसको जाकर मिला, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उसके बाद आता है आपका 1917। अब ये देखिए, ये है आपका वर्ल्ड वॉर चलने का टाइम का, लेकिन यहाँ वर्ल्ड वॉर की स्थिति कुछ धीमी धीमी से होने लगी थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई 8 साल जिस प्रगति पे स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर 1914 में, 1918 तक बिल्कुल उसी पे चलता रहेगा। भाई धीमी भी तो पड़ेगी ना, क्योंकि 4 साल वर्ल्ड वॉर चल रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया। अब कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग गठित करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी हुआ करती थी पहले, और आप मेरे को बताइए, आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी। ठीक, पहले जो राजधानी हुआ करती थी वो राजधानी थी हमारी कलकत्ता। ठीक है, अब ये कलकत्ता जो राजधानी थी उसके बाद में 1917 में कलकत्ता राजधानी नहीं रही। ठीक है, 1917 आते थे तो कलकत्ता राजधानी से ख़त्म हो चुकी थी। तब क्या हुआ कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया, क्योंकि राजधानी थी तो उस पर ध्यान दिया जा रहा था, राजधानी नहीं रही तो ध्यान क्यों देंगे इतना। तो उसमें क्या किया गया कि प्रोफेसर रीडर, मतलब प्रोफेसर क्या भाई, पढ़ाने वाले भाई, प्रोफेसर पढ़ाएंगे समझाएंगे, रीडर होंगे जो चीज़ों को रीड करेंगे, लेक्चरर होंगे लेक्चर देंगे आकर के क्लास में, भाई आप ये चीज़ सीखो, ये चीज़ सिखाई जानी चाहिए। तो इन सबको वहाँ पर लाया गया। ठीक है, और इन सबका निर्धारित किया गया कि भाई इतने प्रोफेसर होने चाहिए, इस विषय के प्रोफेसर होने चाहिए, रीडर इस विषय के चाहिए, लेक्चरर इस विषय के चाहिए। ठीक है, एक सिस्टम बनाया गया कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग गठित करके। उसके बाद में एक और चीज डाली गई कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम, क्योंकि व्यावसायिक पाठ्यक्रम डालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि व्यवसाय पिछड़ता जा रहा था एक प्रकार से। ठीक है, और कुछ नई टेक्निक चाहते थे अपनाना, और जो इंडियंस थे वो भी डिमांड कर रहे थे कि भाई उनको भी व्यवसाय बना करना था अपना, तो डिमांड होगी होगी, सीधी बात है। अब जब क्योंकि देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल वो पहले ही कर चुके हैं, और पार्टीशन ऑफ बंगाल भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था जिसकी वजह से कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया। अब व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी जोड़ दिया गया, और साथ में अभी तक आपने कोर्स में देखा था कि BA पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसके साथ में ऑनर्स कोर्सेज भी जोड़े गए। आप कहते ना अभी भी कि भाई मैं BA ऑनर्स कर रहा हूँ, यानी कि किसी स्पेशल सब्जेक्ट में कर रहे हो ना आप, तो उसी प्रकार से ऑनर कोर्सेज भी ऐड किए गए। और ये सब कब हुआ, 1917 के आयोग कलकत्ता शिक्षा आयोग के गठन के अंतर्गत ये सब हुआ। ठीक, तो इस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम थोड़ा और डेवलप होना हमारा शुरू हुआ। अब व्यावसायिक पाठ्यक्रम जब जुड़ गए तो डेवलप होगा, क्यों, क्योंकि उससे आप व्यावसायिक की जो चीज़ें वो सीखोगे। उसके बाद 1929 में एक और समिति बनाई गई, इसको बोलते हैं हम हार्डगढ़ समिति। ठीक है, इसने क्या किया, इसने एकात्मक विश्वविद्यालय पर जोर दिया। अब इसमें क्या, देखिए इसमें शिक्षा में इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए उनको समझ लेते हैं। शिक्षा को पहले इन्होंने एकदम उच्चतर बनाने की सोच, उच्च बनाने की कोशिश की कि भाई शिक्षा का जो एजुकेशन सिस्टम है वो उच्च हो जाए। उच्च का मतलब कैसे है कि जैसे अभी तक आप BA कर रहे थे, फिर ये MA को भी लेकर के आए, ठीक है, फिर ये MPhil PhD, मतलब और आगे जो आप चल रहा है उससे और आगे ले आने जा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को, ये उस प्रकार से आगे लेकर के आए। और जब आगे और लेकर के आए, उसके बाद देखिए जब चीज़ों को आप आगे ले जाओगे तो उसमें क्या होगा कि प्रवेश की जो प्रक्रिया उसमें भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इन्होंने उन पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रक्रिया को और कठोर बना दिया। ठीक है, प्रवेश की प्रक्रिया भी कठोर कर दी। क्यों कर दी कठोर, अब मान लीजिए किसी ने BA तो किया नहीं और वो कह रहा है भाई मैं PhD में एडमिशन लूंगा, वो कहेगा आप मूर्ख हो या मैं मूर्ख बना रहे हो, भाई कोई बच्चा आ जाओ उठा करके कि भाई मुझे डायरेक्ट PhD पढ़नी है, तो ऐसी प्रक्रिया तो नहीं सकती। तो एक सिस्टम बनाया गया जिसमें पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए अगर आप हायर एजुकेशन पर जाना चाहते हो तो कठोर पाठ्यक्रम हो गया। कठोर कैसे था कि आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए जाना है। ठीक, उसके बाद औद्योगिक शिक्षा और डेवलप की गई इसमें, पहले व्यवसाय शिक्षा तो थी, अब औद्योगिक शिक्षा को और अधिक महत्व दिया गया और डेवलप की गई औद्योगिक शिक्षा। तो इस प्रकार से आया 1929 का ये एक्ट। ठीक है, उसके बाद में स्थिति और बदलने लगी। 1935 के बाद में हालात बदलते गए, भारत में स्वराज की मांग होने लगी, डिपेंड होने लगा इंडिया की भाई हमें स्वराज चाहिए। ठीक, लड़ाइयाँ होने लगी, स्वतंत्रता की बातें होने लगी, और फिर आपका क्या कहते हैं विभिन्न प्रकार के कैबिनेट मिशन आ गए। ठीक है, तो फिर आपका आ गया 1944, और इसमें क्या हुआ, सार्जेंट योजना आई
1944 में। और सार्जेंट योजनाओं में क्या किया गया कि जो इंटरमीडिएट कक्षाएं थी, ठीक है, इंटरमीडिएट कक्षाएं थी उनको तोड़ करके विश्वविद्यालय में बदला गया। ठीक, अब जैसे पहले क्या होता था कि इंटरमीडिएट की कक्षाएं ज़्यादा हुआ करती थी कि भाई बच्चा 12वीं तक पढ़ ले तो हम लोग सफिशियंट हो गया। आज ऐसा होता ना कि आप ग्रेजुएशन हो गए, सफिशियंट हो रहे हो, समझ लिया भाई सफिशियंट हो गया, लेकिन बच्चे पीएचडी भी करते हैं। तो उस चीज़ को ख़त्म किया गया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरमीडिएट जो कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, उनको ख़त्म करो और उनको विश्वविद्यालय में बदल दो। जब वो विश्वविद्यालय बदल जाएंगे तो बच्चे और आगे बढ़ना चाहेंगे। ठीक, तो ऐसा सार्जेंट योजना में बनाया गया। तो इस प्रकार से हमारा चला, जो मैंने आपको यहाँ पर क्या क्या समझाया एंशिएंट टाइम से, कि एंशिएंट टाइम में हमारी एजुकेशन पॉलिसी कैसी थी, कैसे हम शिक्षा प्राप्त करते थे, फिर मिडिवल टाइम आते थे हमने कैसे शिक्षा प्राप्त करी। ठीक है, और ये सब अभी तक जो मैं समझाया आपको 1944 तक, ये सब आपका मिडिवल टाइम तक आ जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, और इसको हम मॉडर्न टाइम भी बोलते थे क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री में चलता है। ठीक है, इसको मॉडर्न टाइम भी बोलते हैं। 1600 से 1700 1718 तक आपका मिडिवल टाइम पीरियड चलता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंट की। पोस्ट इंडिपेंडेंट में हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसे बदला, हमने क्या क्या नई नई पॉलिसी लाई, उसमें क्या क्या लागू किया गया, क्या जरूरतें हमें पड़ी, उन सबको हम समझेंगे उसमें। ठीक है, चलिए मिलते हैं उसमें।